Hello everyone and welcome to our new video. I hope all of you guys are doing well and your portfolios are shining in the unlock period. Let's hope that all of you get vaccinated and आप वापस बाहर निकल के वो पिज़्ज़ा खा सके जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं. इनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन लेट अस एनालाइज एंड लेट अस सी ए स्टॉक कैसा है, ये कंपनी कैसी है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एज यू कैन सी जुबिलेंट फूड वर्क्स. नाम बहुत अच्छा है, जुबिलेंट मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग है कि यू नो ऑलवेज हैप्पी, खुश, खुशी, व्हाटएवर, ऑलवेज इन अ जोवियल मूड. एनीवे इस स्टॉक में इतने FIIs इन्वेस्टेड है कि कभी कभी इस तरह की कंपनीज़ को इस तरह की कंपनीज़ को हम लोग डाइसी कहते हैं, 50-50. मतलब अगर चल गई तो बहुत चलेंगी, दे विल ग्रो वेरी हाई, और अगर नहीं चली तो बहुत ज़बरदस्त वे में डुबा सकती हैं आपके पोर्टफोलियो को. दे आर लाइक अ डाइसी कंपनी. एनी वे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स लुक एट इट. दिस इज़ अ मास्टर फ्रेंचाइज. सो जुबिलेंट फूडवर्क्स is one of India's largest food service company and they hold the master franchise for two international brands, जिसमें से एक तो guys India में बंद होने की कगार पे ही है, mostly बंद ही हो गया है, Dunkin Donuts, जो बाद में rebrand हुआ था Dunkin, जिसका concept ही पूरा breakfast और जो sweet and dessert का जो भी उनका concept था, actually it was known for much more than donuts, लेकिन वो तो चला नहीं. बहुत कम लोगों को ये पता है कि Jubilant is not just about Domino's, Domino's is the only running franchise. लेकिन guys आज मैं आपको थोड़ा reality check दिखाऊंगा कि हर चीज़ जो अच्छी लगती है खाने में वो stock अच्छा नहीं होता है पचाने में. Anything that is good to eat is not necessarily a good stock for your portfolio, especially at the current levels and especially looking at the future of these kind of companies. Domino's ka master franchise hai India mein, inhi ke through business karti hai Domino's. Lekin let's look at the business and let's look at, because company mein humko kya chahiye, net profit. We need super profits. We are not here to get emotional with our companies, right? सो दे एड्रेस टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. इसमें से अभी यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं अपडेट बता रहा हूँ कि डंकिन को तो आप मत ही गिनिए, यू जस्ट काउंट डोमिनोज. द कंपनी ऑल्सो लॉन्च इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड कॉल्ड हॉन्ग्स किचन इन चाइनीज़ क्विजीन सेगमेंट. आई मीन उसमें तो बहुत सारे चाइनीज़ क्विजीन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अनब्रांडेड यू नो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत चीज़ें मिलेंगी, तो उसकी बात नहीं करेंगे. सो सबसे पहले जो प्रोज एंड कॉन्स में देखिए, इसमें कुछ प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है. एज आई सेड इट्स अ 50-50 स्टॉक. स्टॉक का जो पी है प्राइस टू अर्निंग, जबकि बहुत रेयरली हमारी नज़र प्राइस टू अर्निंग पे पड़ती है, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक वैल्यू, अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूँ 177 इज़ वेरी हाई. मतलब 150 के ऊपर अगर पी मल्टीपल निकलता है आपका तो डेफिनेटली देर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये सेम चीज़ अडानी एंटरप्राइजेस में हुई थी एंड इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऊपर निकल गया. बिकॉज वाई डज़ द पी ई गो हाई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्राइस भर रहे हो उस अर्निंग कैपेबिलिटी के लिए जो फ़िलहाल हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए पी ई रेशियो में प्राइस ऊपर निकलता जा रहा है और प्राइस टू अर्निंग अर्निंग कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है. तो दैट्स एक्चुअली नॉट अ गुड साइन टिपिकली थियोरेटिकली. और इसका बुक वैल्यू देखिए, मतलब बुक कितनी छोटी है इस कंपनी की, 108 रुपये का बुक वैल्यू एंड 3100 रुपये पे इसका करंट प्राइस चल रहा है, 3109 के आसपास चल रहा है. दैट मीन्स इट इज़ ट्रेडिंग 30 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू. अगेन वेरी वेरी इन्फ्लेटेड. RBI ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था ना, मार्केट में बबल है, तो बबल गाइज एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और ऐसे स्टॉक्स में नहीं है. उनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में उनकी अर्निंग्स प्राइस के साथ साथ चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे थोड़ा इन्फ्लेटेड लग रहा है ओवरऑल. एनीवे वी विल गो डाउन. तो अगर आप देखोगे ऑल थ्रू द कोविड पैंडमिक एंड द अनलॉक पीरियड, ये स्टॉक ने काफ़ी ग्रो किया. बीच में 22 फेब के आसपास अगर देखें तो 3100 ये लगभग सेम लेवल पे चल रहा था एंड लास्ट 4 महीने के बाद ये ऊपर नीचे साइडवेज चल के वापस सेम लेवल पे आया. इट हैज़ गॉट इट्स अप्स एंड डाउन्स. बहुत करेक्शन उठाए हैं स्टॉक ने और आई मीन 12% नीचे 12% ऊपर ऐसे चला है 6 महीने में एंड लास्ट 1 ईयर में इट हैज़ ऑब्वियसली यू नो ऑलमोस्ट डबल्ड बिकॉज
आप देखोगे जब इतनी ज़ोर से हवा चली आफ्टर द मार्केट क्रैश ऑफ 24 मार्च 2020, काफ़ी सारे पत्थर वाले स्टॉक भी ऊपर निकल गए। लास्ट 3 साल में भी इसने ग्रो किया है, 5 साल में भी ग्रोथ पिक्चर ही है ओवरऑल। लेकिन कभी कभी क्या होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन इन्वेस्टर्स, प्राइस जस्ट टेल्स यू वन पार्ट ऑफ द पिक्चर, यू हैव टू फिगर आउट द वैल्यू। क्या ये स्टॉक 3,000 रुपये की वैल्यू का है वो हमें पता लगाना है। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है। एक ही प्रो है दैट ऑब्वियसली इस तरह की कंपनी तो डेट फ्री कभी होगी नहीं। कंपनी हैज़ बीन पेइंग डिविडेंड, पे आउट इनका ठीक ठाक है, मतलब जितना भी कमाते हैं 27.7% दे डिविडेंड इट आउट, विच इज़ ओके। लेकिन डिविडेंड रेशियो जो है इसका, डिविडेंड यील्ड देखिए कितना पुअर है, 0.19। बिकॉज ऑफ द प्राइस इतना ऊपर है तो जो डिविडेंड यील्ड बैठता है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत पुअर है ये। एनी वे बुक वैल्यू जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 30 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, बहुत ही कम है। आई डोंट ब्लेम देम कम्प्लीटली, दे गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द पैंडमिक। लेकिन जो मास्टर फ्रेंचाइज है डोमिनोज का, वो डिलीवरी पे भी सेल्स वॉल्यूम कवर कर सकता था। इसका सेल्स फिगर थोड़ा और बेटर आ सकता था गाइस, बिकॉज जोमैटो का सपोर्ट था इन लोगों को, सारे डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सपोर्ट था, तो सेल्स और बढ़ना चाहिए था आइडियली। एनी वे लेट्स लुक एट जो हम लोग हमेशा एक बार देखते हैं, पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं। सो इन द लास्ट, लुक एट दिस, ये टिपिकल साइक्लिकल स्टॉक्स की खासियत देखिए। लास्ट 6-7 साल में लुक एट द अप्स एंड डाउन्स इन द नेट प्रॉफिट। आई मीन मार्च 2017 में 58, देन सीधा 196, देन 320, देन 280, देन 232। सो समथिंग टेल्स मी दैट दे वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ बिजनेस स्लम्प, और कोविड पैंडेमिक के आने के बाद ये वापस एक इनको झटका लगा है, बहुत ज़ोर का झटका इन्होंने खाया कोविड के बाद। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज स्टॉक प्राइस कैगार लास्ट 10 साल में बहुत बढ़ गया है। 22% इज एक्सेलेंट कंपाउंडिंग इन द लास्ट 10 ईयर्स फॉर द स्टॉक प्राइस, बट रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, 22% रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सेल्स ग्रोथ 17% है 10 ईयर्स, एंड प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 12% है। मेरा टारगेट, मेरा क्राइटेरिया जो प्रॉफिट ग्रोथ का होता है मिनिमम, वो 15% का होता है अलॉन्ग विथ ROCE एंड ROE कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो प्रॉफिट के मामले में जो मुझे चाहिए वो तो यहाँ नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप रेवेन्यू और सेल्स दिखा दिखा के अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे हो, लेकिन नेट प्रॉफिट, पैसा घर में कितना आया, वो तो इनके पास दिख नहीं रहा है। बिकॉज इस तरह के बिजनेसेस में गाइस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। योर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ हाई एंड योर लेवरेज इज़ वेरी लो। अब दूसरी बात जो मुझे बहुत खटक रही है, आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ डेंट, यू शुड ऑल्सो चेक इट इफ इट्स, आई मीन इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर इन दिस। ये देखिए, बोरोइंग्स ओवर द ईयर्स हैज़ बीन 0,000 एंड सडनली आफ्टर द पैंडमिक बोलो या ड्यूरिंग द पैंडमिक बोलो, 1,600 करोड़ के दो बार, 1,600 करोड़, हाँ, फॉर अ कंपनी लाइक दिस, 1,600 करोड़ की बोरोइंग की है लगातार 2 साल में। नाउ दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। ये थोड़ा रेड फ्लैग्स बढ़ाते जा रहा है और ग्रीन शूट्स कम होते जा रहे हैं इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात एक अच्छी है कि इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, सो आई एम श्योर देयर इन्वेस्टिंग कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड, विच इज़ ओके गुड। बट 1,600 करोड़ के बोरोइंग के सामने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डजेंट मैटर, मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, कुछ दिख नहीं रहा है, मज़ा नहीं है। नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव है फिलहाल, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड इनके मार्जिन्स हिट हुए होंगे। ROCE कंसिस्टेंट है, इनफैक्ट कंसिस्टेंट था, लेकिन लास्ट ईयर के बाद देखिए 16% का रह गया है। सो इट विल बी अ गुड आइडिया फॉर समबडी टू ऑब्जर्व कि इसका ROCE अभी ये पैंडमिक के बाद जब इकोनॉमीज खुलेंगी तो क्या ये लोग रिकवर कर पाते हैं या नहीं। बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस रिकवरी बहुत स्लो होती है आफ्टर रिसेशनल, मतलब ऐसा ना हो कि आप इस टाइम पे एंटर करो और ये बिजनेस स्लो रिकवरी करते करते आपका टाइम खा जाए। इट शुड नॉट बी अ केस कि 3-4 साल तक ये स्टॉक रेंज बाउंड हो जाए ट्रेडिंग में और आगे बढ़े ही नहीं 10% के ऊपर। इट इज़ पॉसिबल इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स विच हैव रन अप क्वाइट वेल। नाउ वन इंटरेस्टिंग पार्ट, आई एम स्टिल येट टू डिग डीपर इन टू इट, इज FIIs। देखिए 40% के ऊपर FII का इंटरेस्ट है इसमें, और लास्ट जो बिल्कुल फिलहाल मेरे समझ के बाहर है ये, लास्ट 1 साल में
30% से 40% यानी 10% FIIs बढ़े हैं. सो एज ऑफ टुडे फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स 4 शेयर्स आर टेकन बाय FIIs. एंड इनकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा मेरे को संदेह यानी डाउट आ रहा है. आई मीन आई एम काइंड ऑफ वरिड दैट प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये FIIs जो स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं समवेयर. नॉर्मली वी आर वेरी बुलिश व्हेन FIIs कम इनटू स्टॉक्स. ये किसी भी स्टॉक में आप जानते हो 25% के ऊपर अगर FII इंटरेस्ट दिखता है देन वी आर एज अ क्राइटेरिया आई पर्सनली गेट वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसमें मुझे DII पार्टिसिपेशन भी दिखता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन. लेकिन इसमें जो आप पब्लिक पार्टिसिपेशन देख रहे हो वो बहुत कम है. एक्चुअली इट्स ओनली 5%. देखिए तो आपके और हमारे ऑर्डिनरी पब्लिक के पास जो शेयर बचेंगे वो 5 या 5.5% बचेंगे. बाकी आप देखो तो DIIs में देखें सारे इंश्योरेंस कंपनी 2-3 हैं, HDFC, ICICI, आई थिंक उन्होंने अपना स्टेक काटा है, दे वर देयर टिल डिसम्बर 2020, उसके बाद वो लोग ने भी निकाल दिया है. ओनली UTI इक्विटी फंड आई कैन सी विद 2% स्टेक, एंड नीचे जाऊँ तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड आई कैन सी विद 1.61% स्टेक, विच इज़ दैट्स अबाउट इट. बाकी DIIs इसमें हैं कम है, लेकिन ओवरऑल DII पार्टिसिपेशन भी कम है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कम है, लेकिन FIIs है 40%. तो यहाँ ये जो FII कंपनीज है अभी ये सिंगापुर से एंड यू नो सम ऑफ देम लुक लाइक मॉरिशियस दिख रहा है मुझे इसमें, ये क्रेडिबिलिटी इनकी कितनी है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि आर दे हेयर फॉर द शॉर्ट टर्म और आर दे जस्ट लुकिंग टू मेक प्रॉफिट एंड रन अवे दीज पर्टिकुलर FIIs. क्योंकि ऐसा अगर स्टॉक में पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना कम होगा तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब ये तो फिर FIIs और प्रमोटर्स के हाथ पे ही चलेगा ना ये स्टॉक. दे विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टॉक विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड, आई मीन नॉट आइडियली सूटेड. एनीवे इसमें आगे अगर आप बढ़ेंगे फाइनेंशियल्स में, मैं आपको बताऊं जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है फ़िलहाल मैं सीधा उसी पे जाता हूं फाइनेंशियल्स में. यही चीज़ ना नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 6.96%. ये नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, मतलब मज़ा नहीं आएगा इसमें यार. आप क्यों इसमें ट्रेडिंग करके टाइम वेस्ट करोगे? यू आर हार्डली मेकिंग 7% नेट प्रॉफिट. आई मीन 7% से अच्छा इसके पहले वाला स्टॉक आपको याद है ना CDSL जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, 58% नेट प्रॉफिट कहाँ और 6.96 यानी 7% कहाँ. सो सी दिस इज़ अ डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू. ये सीधा सीधा प्रभाव है कि कैसे कैश बर्निंग बिजनेसेस जो होते हैं. आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा सकते हो, खाने में आपको वैसे भी वो अनहेल्दी है, इट्स नॉट अ हेल्दी प्रोडक्ट फॉर श्योर, लेकिन देखो यही होता है जब आप पिज़्ज़ा खाते हो उस वक्त दैट टाइम यू फील वेरी लोडेड, आपको अच्छा लगता है यार अच्छी चीज़ खाई, लेकिन बाद में इट प्लेज ऑन योर बॉडी. आई थिंक ये स्टॉक भी उसी तरह का होगा. अगर आप इसको लेके बैठोगे बैठे रहोगे स्टार्टिंग में आपको बहुत लालच आएगा कि ये लेना चाहिए, मार्केट में लोग बात कर रहे हैं, बट इवेंचुअली आप देखोगे पैसा कितना कमाया मैंने, इज़ इट वर्किंग फॉर मी. आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ये 10x वाला या मल्टीबैगर कैटेगरी तो हमें किसी भी एंगल से नहीं लगता है. आई डोंट थिंक दिस स्टॉक कैन बिकम अ मल्टीबैगर, नॉट एट ऑल. देर इज़ नो वे अ 7% नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन जस्टिफाई दैट. फिर भी अभी इसमें ट्रैक कर रहे हैं तो लेट्स लुक एट थोड़ा टेक्निकल लेवल्स. ऑन अ मंथली बेसिस ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है. RSI भी 73 है, मतलब अपने रेंज में ही चल रहा है, बाय सिग्नल है. बट इफ़ आई लुक एट पिवट पॉइंट्स तो फिलहाल जो इसका प्राइस है 3108 के प्राइस पॉइंट से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे लगता है ये देखिए 3108 का प्राइस है और 3180 का पहला रेजिस्टेंस. अगर आप आई वुड नॉट रिकमेंड ट्रेडिंग इन दिस, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हो सो वेट एंड वॉच द मूवमेंट. अगर ये 2995 का पिवट पे वापस आता है दिस कुड बी अ गुड प्राइस टू गेट इन टू ट्रेड. और यहाँ से ये अगले रेजिस्टेंस तक करीब करीब अगेन यू आर ओनली मेकिंग लाइक 6 or 7% गेन हियर, क्योंकि रेजिस्टेंसेस बहुत क्लोज हैं. तो अगर आप इसको पकड़ भी लेंगे यहाँ से मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें साल भर में आपको 10 से 12% या 15% का रिटर्न मिलेगा पूरे साल में. आई थिंक सो बिकॉज ये इस तरह एक रेंज में फंसा हुआ है कि आई डोंट सी अर्निंग्स अगर अच्छे नहीं आएंगे इसके आगे
कोई एक्सटर्नल इवेंट इसको ड्राइव नहीं करने वाला है, इट विल ओनली ड्राइव ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जब तक ये फ्रेंचाइज अपना अर्निंग्स नहीं दिखाता तब तक प्राइस जस्टिफाई नहीं होगा, हाई प्राइस। सो फिलहाल इसी रेंज में मुझे लगता है अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, नॉट रिकमेंडेड, बट 6 to 7% गेन चाहते हो तो 3060 के आसपास आप इसको पकड़ सकते हैं। एंड इफ़ इट क्रॉसेज दिस रेजिस्टेंस ऑफ 3180 देन 3294 का आप अगला रेजिस्टेंस तक इसको देख सकते हैं इन एन अप स्विंग। अगर स्विंग में आप इसको पकड़ेंगे तो वो स्विंग में करीब करीब 200 रुपया पर शेयर का गेन आप इसमें देख सकते हैं, विच इज़ हार्डली अगेन एज आई सेड 7%। वो भी इतना टाइमिंग और मेहनत करने के बाद 7% कमाना, नॉट वर्थ इट। एनी वे प्रॉफिटियर्स, दिस वॉज माई व्यू ऑन जुबिलेंट फूडवर्क्स। आई होप यू टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग, एंड लेट मी नो योर कॉमेंट्स ऑन वॉट यू फील। अगर आप इसमें कहीं अटके हुए हैं, इफ़ यू आर स्टक, डू लेट अस नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।